अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी के नदी नाका पे, यहाँ पे अभी महज 15 मिनट पहले, अभी फिलहाल दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और महज 15 मिनट पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, एक हादसा हुआ है। हादसा ऐसा हुआ है कि यहाँ से एक ट्रक ने एक स्कूटी को, स्कूटर पे जा रही एक लड़की थी और उनके पीछे एक बुजुर्ग बैठे थे, तो उनको टक्कर मारी, जिससे हादसे में जो बुजुर्ग थे उनकी मौत हो गई। उनका नाम था अशोक कबाड़ी, कबाड़ के रहने वाले थे, 65 साल उनकी उम्र थी। तो थोड़ी सी बहुत छोटे लड़की को भी आई है और जो स्कूटी है उसको भी थोड़ी सी मार लगा है। लेकिन यहाँ पे बोलने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये एक एक्सीडेंट स्पॉट बन गया है भिवंडी के अंदर। हर 2-4 दिनों में यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे एक तो ट्रैफिक बहुत कंजेस्टेड है, हेवी गाड़ियां आती, देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं कि हेवी गाड़ियां आती, जगह नहीं आने जाने के लिए यहाँ पे, ये देखिए ये रुक जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे एक नया ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज को अब तक के खोला नहीं गया। उसके ना खोलने की वजह आपके सामने है, देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे टोरेंट पावर का जो पोल यहाँ पे लगा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे, करीब से दिखाएंगे कि टोरेंट पावर का पोल लगा हुआ है जिसकी वजह से ब्रिज को अब तक के खोला नहीं जा रहा है। जैसे ये पीछे हटेगा तो ब्रिज को खोल सकते हैं, ब्रिज खोलेगा तो यहाँ पे जगह चौड़ी हो जाएगी। लेकिन इसमें किस बात की देरी हो रही है, ये हम प्रशासन से सवाल करेंगे कि आखिर किस वजह से जो है टोरेंट पावर यहाँ से पोल नहीं हटा रही है। आप देख सकते हैं कैसा बीचों बीच जो है ब्रिज के बीचों बीच जो है टोरेंट पावर का पोल खड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी वजह है ब्रिज ना खोलने की। इसके बाद में दोस्तों हमारे साथ में भिवंडी के पूर्व उप महापौर इमरान वली खान साहब है, जो कि ये इनके क्षेत्र में आता है, तो ये भी यहाँ पे पहुंचे जैसे एक्सीडेंट की खबर मिली। तो इमरान भाई थोड़ा सा बताएंगे कि आए दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह इसकी? देखिए, ये जब से ब्रिज का काम चालू हुआ है नदी के ऊपर का, तब से यहाँ रोज के रोज एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। और काम जो स्पीड में होना चाहिए था वो स्पीड में काम नहीं कर रही है, क्योंकि कॉर्पोरेशन नहीं कर रही, पीडब्ल्यूडी के अंदर में ये काम है, पीडब्ल्यूडी कर रही है। अब एक अर्सन आप ये देखिए, टोरेंट ऑफिस वाले ये पोल हटाना चाहिए था, आप ये सामने का पोल देखेंगे, ये पोल नहीं हटाने की वजह से भी काम में अड़चन निर्माण हो रहा है। टोरेंट को इसका इंटीमेशन दिया हुआ है, कॉर्पोरेशन ने भी दिया है, पीडब्ल्यूडी ने भी दिया, अभी तक वो क्यों नहीं कर रहे उनको ही मालूम है। वो कर दिया होता था, आज ये नौबत नहीं आती, आज जो भी एक जान गई है वो एक किसी की भी जान कीमत होती है। और ब्रिज के ऊपर आने में ट्रैफिक की वजह से वो गिर गए, बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट हुआ है। नहीं तो ये आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते, कभी कोई ट्रक वगैरह जो है यहाँ पे पलटी हो जाता है, तो ऐसे बहुत से हादसे, मतलब ये एक हॉटस्पॉट ही बन गया एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट का हॉटस्पॉट इसलिए क्योंकि ब्रिज के बाद ये सिंगल रोड था, अब बॉटल नेक हो जाता है, बॉटल नेक हो, अब रोड चौड़ा हो रहा है तो इसमें भी थोड़ा चौड़ा करने की जरूरत है। जल्द से जल्द हम लोग अभी पीडब्ल्यूडी को भी हम बात करके जल्दी से हटवाने की कोशिश करके रोड को एकदम क्लियर करा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो दोस्तों देखा यहाँ पे किस तरह से इन्होंने कहा कि ये हॉटस्पॉट है एक एक्सीडेंट का और इसकी वजह बॉटल नेक है, कि यहाँ पे अब रास्ता तो चौड़ा हो जाएगा लेकिन आगे जब ब्रिज चौड़ा होने के बाद में जब आगे का जो रास्ता है तो यहाँ पे कुछ जो अतिक्रमण है उसको भी हटाने की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले जो टोरेंट पावर का जो ये पोल है इसको हटाने की जरूरत है। तो दोस्तों इसी हमारे साथ में बने रहे, हम आपको आगे की अपडेट भी देंगे। फिलहाल जो बॉडी थी उन्हें पोस्टमार्टम के लिए आईजीएम हॉस्पिटल लेके गया, दरअसल वो जख्मी थे, जब उनको लेके गया आईजीएम हॉस्पिटल तब उनके उनका देहांत हो गया है और अब वहां से सारे पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया करके जो है बॉडी घर वालों को सौंपी जाएगी। इसके बाद की भी जो हम आपको खबर देंगे, ये निजामपुरा पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया है, इसका एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया है। जो ट्रक है उसको ताबे में लिया है पुलिस ने और जो ड्राइवर है उससे भी पूछताछ जारी है। तो ऐसे हमारे साथ में बने रहे, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से। भिवंडी के एजुकेशन फील्ड में उभर रहा है नया नाम NSIT।
जहां हर साल एसएससी स्टूडेंट्स पास होते हैं बेहतरीन परसेंटेज के साथ। इस साल भी 13 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एसएससी में टॉप किया है। 11th साइंस एंड कॉमर्स एडमिशन स्टार्टेड फॉर न्यू बैचेस विद लिमिटेड सीट्स। पता है फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक एटीएम, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी।